ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो आज हम टेक्स्ट 23 पढ़ेंगे। यतात्मा तंत्र भगवान विक्रीदति आत्ममायया विसृज वायतामायं उदास्ते साक्षिवद् विभो। वट वट यता एस आत्मतंत्र इंडिपेंडेंट भगवान द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट विक्रीदति एंजॉयज दिस पास्ट टाइम्स आत्ममायया बाय हिज इंटरनल पोटेंसी विसृज गिविंग अप वा एज ऑल्सो यथा एज ही डिजायर्स मायम द एक्सटर्नल पोटेंसी उदासते रिमेन्स साक्षीवत जस्ट एज द विटनेस विभू द ऑलमाइटी। ट्रांसलेशन द इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंजॉयज हिज पास टाइम्स बाय हिज इंटरनल पोटेंसी एंड एट द टाइम ऑफ एनिलेशन gives them up to the external potency and he remains a witness to it all। तो यहाँ पे हैं परीक्षित महाराज बता रहे हैं वो जो भगवान हैं जो स्वराट हैं। तो यहाँ पे शब्द आता है जस्ट वन मिनट आत्मतंत्र। आत्मतंत्र का मतलब है इंडिपेंडेंट स्वराट। तो ये जो स्वराट भगवान हैं अपने आत्म माया अपने इंटरनल शक्ति से अलग अलग लीला करते हैं और सृष्टि के संहार के समय ये जो भौतिक क्रिएशन है उसको वाइंड अप करते हैं और फिर से अपने धाम चले जाते हैं। ही गिव्स दम अप टू द एक्सटर्नल पोटेंसी। संहार के समय ये जो उनका उन्होंने ये पूरा जो सृष्टि निर्माण किया है ये भौतिक शक्ति को देख के चले जाते हैं। उदासते साक्षीवत विभो एंड थस ही रिमेन्स द विटनेस साक्षीवत विटनेस है। तो भगवान ये सृष्टि का लीला करते रहते हैं क्रिएशन होता है डिस्ट्रक्शन होता है पर भगवान को ये सृष्टि के प्रति आसक्ति नहीं है। जनरली व्यक्ति कुछ चीज़ बनाता है वो चीज़ के प्रति बहुत आसक्त बनता है कि नहीं यू बिकम वेरी अटैच्ड। तो भगवान का एक गुण है वैराग्य। तो ये जो चय ऐश्वर्य है भगवान का ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरण भाग इतिंगन। तो ये भगवान का डेफिनेशन है जिनके पास ये छह ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है जिनके पास धन है सुंदरता है यश है ज्ञान है शक्ति है उसके साथ साथ वैराग्य भी है। तो भगवान का वैराग्य इतना है भगवान ये सृष्टि का निर्माण करते हैं अपने शक्तियों के माध्यम से और संहार के समय एनिलेशन के समय सब कुछ छोड़ के निकल जाते हैं कंप्लीटली डिटैच्ड। जैसे भगवान रामचंद्र उनको कॉरोनेट करने वाले थे अयोध्या का राजा बनाने वाले थे पर अगला दिन सुबह जब उनका कॉरोनेशन होने ही वाला था पट्टाभिषेक होने ही वाला था उनको ये समाचार मिला
कि आपको छोड़ के वन जाना है 14 साल. भगवान राम कंप्लीटली डिटैच्ड इन अ वेरी डिटैच स्पिरिट इवेंट ऑफ. तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आता है उदास थे साक्षीवत विभो, लॉर्ड रिमेन्स द विटनेस. इस सृष्टि के अलग अलग चीज़ों में ऊपर और नीचे जो चढ़ाव और उतार है उसमें भगवान विटनेस है. उपदृष्टा अनुमंता च भरता भुक्ता महेश्वरा. तो कृष्ण गीता में बोलते हैं कि परमात्मा का क्या क्या कार्य है. उपदृष्टा ओवरसीयर, अनुमंता परमिटर, उपदृष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरा, और सबका पालन पोषण करते हैं. तो भगवान उपदृष्टा है, ही इज द विटनेस. तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं लॉर्ड श्री कृष्ण बीइंग द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड एंड फाउंटेन हेड ऑफ ऑल अदर इंकार्नेशंस इज द ओनली इंडिपेंडेंट पर्सन. तो यहाँ पे वर्णन आता है यथा आत्मतंत्रो भगवान. वो जो भगवान है आत्मतंत्र है या स्वराट है. तो प्रभुपाद बहुत क्लियरली बताते हैं वो स्वराट भगवान कौन है, श्री कृष्ण. एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं. तो जितने भी अवतार हैं उनके जो स्तोत्र है, फाउंटेन हेड है, कृष्ण है. और इसलिए कृष्ण स्वराट है, इंडिपेंडेंट, कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता. इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं वो हमेशा बताते थे भगवान की इच्छा के अनुसार सब कार्य होता है. तो कोई बोल नहीं सकता कि मैंने 30 साल भक्ति किया है मुझे भगवान की कृपा मिलना ही चाहिए. भगवान स्वराट है, जिसको चाहिए उसको कृपा दे सकते हैं. ही एन्जॉयज दिस पास्ट टाइम्स बाई क्रिएशन एज ही डिजायर्स एंड ही गिव्स दम अप टू द एक्सटर्नल एनर्जी एट द टाइम ऑफ एनिलेशन. तो भगवान का जब इच्छा होता है सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि के अंत के समय, संहार के समय ये भौतिक शक्ति को ये दुनिया दे देते हैं और फिर से चले जाते हैं. बाई इस इंटरनल पोटेंसी ओनली ही किल्स द डीमन पूतना इवन तो एन्जॉइंग हिज पास्ट टाइम्स इन द लैप ऑफ हिज मदर यशोदा. तो भगवान श्री कृष्ण जब लीला करते हैं ये दुनिया में, स्पेशली वृंदावन में, ये भौतिक भूमंडल में, कृष्ण का ये सब लीला आत्म माया है. उसका मतलब है भगवान का जो कार्य है जीवों के कार्य के समान नहीं है. जन्म कर्मच में दिव्यम, भगवान के कार्य दिव्य है. इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान का जो भी कार्य है, असुरों को मारना या अलग अलग जो कार्य है, रासलीला इत्यादि, अंतरूनी शक्ति से होता है. एंड व्हेन ही डिजायर्स टू लीव दिस वर्ल्ड ही क्रिएट्स द पास्ट टाइम ऑफ किलिंग हिज ओन फैमिली मेंबर्स यदुकुल एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाई सच एनिलेशन. और जब कृष्ण को ये लीला समाप्त करना है वही एक लीला रचाते हैं. तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि गांधारी कैसे कृष्ण को श्राप देती है और कृष्ण ये श्राप को स्वीकार करते हैं. इसका मतलब है भगवान को भी कोई श्राप दे सकता है, पर ये सब भगवान की लीलाएं हैं. क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनका जो ये भौतिक दुनिया का जो लीला समाप्त हो और जो यदुकुल हैं उनके जो भक्त हैं वो भी चले भगवत धाम. इसलिए भगवान ये लीला रचाते हैं. ऐसा लगता है कि यदुकुल के बीच में झगड़ा हो रहा है, पर दीज आर ऑल दी पास्ट टाइम्स. इसलिए भगवान की ये जो लीलाओं को हमारे आंखों से हम समझ नहीं सकते. भक्तों की ज़िंदगी में इतना पीड़ा क्यों होता है, यदुकुल के बीच में झगड़ा हो रहा है. हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में देवकी और वसुदेव इतना संघर्ष करते हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए. और जब कृष्ण जन्म लेते हैं वृंदावन में और वृंदावन में जाते हैं, रोज़ एक न एक असुर आता था वहाँ पर. तो ये सब जो लीलाएँ हैं, बाहर दृष्टिकोण से लगेगा कि इतना भगवान को और उनके भक्त को इतना संघर्ष करने की क्या ज़रूरत है. जैसे भगवान रामचंद्र स्वयं इतना संघर्ष करते हैं, वन में जाते हैं, रावण आके सीता का अपहरण करता है, इतना सब कुछ होता है. पांडवों की ज़िंदगी में इतना कष्ट होता है. पर ये जानना चाहिए कि भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं दे रिमेन अनअफेक्टेड. जैसे हैं कमल का दल रहता है, कमल का पत्ता गंदी पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, पर ये पत्ते के ऊपर कीचड़ नहीं लगता. तो कृष्ण गीता में बताते हैं मेरे भक्त ऐसा है पद्म पत्रम इवाम बसी, जैसे पद्म पत्र है वैसे हैं, दे रिमेन कम्प्लीटली अनअफेक्टेड. तो इसलिए हैं कृष्ण ये सब जो उनके लीला चल रही है ये सब में अनअफेक्टेड है. इसलिए उनके सामने उनके यदुकुल के लोग सदस्य एक दूसरे को मार रहे थे पर कृष्ण को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कंप्लीटली
unaffected. He is the witness of everything that is happening and yet he has nothing to do with anything. तो ऐसा लगता है कि कृष्ण ये भौतिक दुनिया में भाग ले रहे हैं पर कृष्ण को किसी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं है, नो अटैचमेंट. तो एक बार जब रावण सीता को अपहरण करके लेके जाते हैं और भगवान राम बहुत विलाप कर रहे हैं, जैसे एक साधारण पति पत्नी के विरह में रोते हैं, बहुत रोते रहते हैं और जंगल में यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, हर एक पेड़ को पूछ रहे हैं, पंक्षी को पूछ रहे हैं, आपने देखा क्या सीता को. तो समय पार्वती जी सोच रही है ये कैसे भगवान है ना, इतना साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं. तो पार्वती क्या करती है, सीता का वेश धारण करके वहाँ पे पहुँच जाती है भगवान राम के पास. और भगवान राम जो रो रहे हैं तुरंत गंभीर हो जाते हैं और पार्वती जी को प्रणाम करके बोलते हैं आप यहाँ पे क्यों आई, आपका यहाँ पे रोल नहीं है. तो पार्वती जी समझ गई ये जो भगवान का लीला है रोने का, ये सब एक्टिंग है. जैसे ड्रामा में व्यक्ति एक्टिंग करता है तो वैसे ही ये सब भगवान की लीलाएं हैं. सो दैट इज व्हाई प्रभुपाद राइट्स हियर, ही इज द विटनेस ऑफ एवरीथिंग एंड ही हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग. हालांकि भगवान देख रहे हैं सब कुछ पर भगवान किसी चीज के प्रति आसक्त नहीं होते. समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषु स्थिन प्रिय ये भजंती तो माम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम. तो कृष्ण गीता में बोलते हैं वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं पर जो उनके भक्त बनते हैं भगवान उनको स्पेशल ध्यान रखते हैं. सो भगवान परमात्मा के फीचर में सबके हृदय में है, विटनेस दकल क्या बोलते हैं, ही डजंट इंटरफियर विद द एक्टिविटीज, जीवों के कार्यों के बीच में इंटरफियर नहीं करते. जो कर्म है कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीवों का कार्य चलता है पर जो भगवान के भक्त बनते हैं भगवान उनको खास ध्यान रखते हैं. ही इज इंडिपेंडेंट इन एवरी रिस्पेक्ट. महाराज परीक्षित डिजायर टू नो मोर परफेक्टली फॉर अ प्योर डिवोटी ऑट टू नो वेल. तो महाराज परीक्षित ये सब सिद्धांत जानते हैं फिर भी और डिटेल में जानना चाहते हैं. तो ज्ञान का कुछ सीमा नहीं है, भगवान के बारे में जानने का कुछ सीमा नहीं है. और भक्त का ये खासियत है, जैसे प्रभुपाद बार बार हर एक श्लोक के तात्पर्य में ऑलमोस्ट ये सिमिलर पॉइंट बता रहे हैं कि देखिए महाराज परीक्षित का क्या जिज्ञासा है. ये पूरा अध्याय सिर्फ प्रश्नों से भरा है परीक्षित महाराज का, ओनली क्वेश्चंस, वन फुल चैप्टर. तो क्योंकि भक्तों का कर्तव्य है ये सब तत्वों को जानना. जितना हम भगवान के बारे में, भगवान के कार्यों के बारे में, ये भौतिक दुनिया के बारे में जानेंगे उतना हम तीव्रता से भक्ति करेंगे. इसलिए हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं हरिनाम का जप करने के लिए, हालांकि सब शास्त्रों का निचोड़ है हरिनाम, सर्वशास्त्र मर्म, सब शास्त्रों का निचोड़ है हरिनाम. हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता. एसेंस है हरिनाम. तो अगर कोई पूछेगा अरे परीक्षित को अभी 7 दिन ही बचा है तो बैठ के हरिनाम कर सकते हैं, ये सब तत्व ज्ञान सुनने की क्या जरूरत है. क्योंकि हरिनाम करने के लिए ये संबंध ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है. भगवान कौन है, ये सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, ये सृष्टि के नियम क्या है, यहाँ से कैसे निकलूँ मैं, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देयरफॉर अ प्योर डिवोटी ऑट टू नो वेल, भक्तों को ये सब तत्व ज्ञान जानना चाहिए. इसलिए श्रील प्रभुपाद का बहुत इच्छा था कि ये सब पुस्तक भक्त पढ़ने चाहिए. प्रभुपाद दिन रात बैठ के ये पुस्तक लिखते थे, क्यों, ताकि हम इसको पढ़ें, वी विल अंडरस्टैंड दिस मैसेज. टेक्स्ट 24 सर्वम् एतच्च भगवन् पृच्छतो मे नुपुर्वशः तत्वतो रहसि उदारतुम् प्रपन्नाया महामुने. व्हाट वर्ड, सर्वम ऑल दीज एतत् इंक्वायरीज च आल्सो दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू आस्क भगवन ओ ग्रेट सेज पृच्छत ऑफ द इंक्विजिटिव मे माई सेल्फ अनुपूर्वश फ्रॉम द बिगिनिंग तत्वत इन अकॉर्डेंस विद द ट्रूथ अर्हसी मे काइंडली बी एक्सप्लेन उदाहर तुम एज यू विल
लेट नो प्रपन्नया वन हु सरेंडर्ड महामुने ओ ग्रेट सेज. ट्रांसलेशन ओ ग्रेट सेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड काइंडली सैटिस्फाई माई इनक्विजिटिवनेस इन ऑल दैट आई हैव इंक्वायर्ड फ्रॉम यू एंड ऑल दैट आई मे हैव नॉट इंक्वायर्ड फ्रॉम यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई क्वेश्चनिंग्स. Since I am a soul surrendered unto you, please impart full knowledge in this connection. तो परीक्षित महाराज का इतना सुंदर भाव है, बता रहे हैं सर्वम एतच्च भगवान. ये जो महामुनि सुखदेव गोस्वामी, आप साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे. तो सब शास्त्र बताता है गुरु जो हैं साक्षात हरि के प्रतिनिधि हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, बलराम जी के प्रतिनिधि है. तो इसलिए मेरा जो जिज्ञासा है पृच्छतो में अनुपूर्वश, मेरा जो इंक्वायरीज है, प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए. मैंने जो पूछा है उसका उत्तर दीजिए और मैंने जो नहीं पूछा है उसका भी उत्तर दीजिए. जैसे हम डिस्कस कर रहे थे महाराज परीक्षित का इच्छा देखो सुनने का. जनरली एक भक्त को एक प्रश्न पूछते हैं, आधा घंटा तो लेक्चर रहता ही है उसका उत्तर, है कि नहीं. शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स, है कि नहीं. तो परीक्षित महाराज इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके ऊपर बोल रहे हैं मैंने जो नहीं पूछा है वो भी बता दो, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड. क्यों? प्रपन्नया महामुने, क्योंकि आई एम अ सोल सरेंडर्ड अनटू यू. तो यही भाव से अर्जुन कृष्ण का आश्रय लेते हैं गीता में, सेकेंड चैप्टर सेवेंथ वर्स. शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेताम यच्छ्रेयशो निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम. तो वही वर्ड यूज कर रहे हैं प्रपन्न, तो यहाँ पे भी वही वर्ड आता है प्रपन्नया. तो शिष्य को गुरु का आश्रय लेना है. आई एम अ सोल सरेंडर्ड अनटू यू, मैं मूर्ख हूँ, मैं आपका शरण लेता हूँ, कृपया करके आप बताइए. कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, तो अर्जुन बताते हैं मेरे अंदर कार्पण्य दोष है, मुझे शरीर के प्रति आसक्ति है, तो इसलिए ये दोष को दूर कीजिए. तो वही भाव से परीक्षित अपनी नम्रता से उनको लग रहा है मुझे अभी शरीर के प्रति आसक्ति है, पर क्योंकि मुझे मेरा मृत्यु निकट है, मुझे ये जो आसक्ति है उसे छुटना है, इसलिए मैं आपका आश्रय लेता हूँ. और क्योंकि आप महामुनि हैं, आप साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं, आप मेरे जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकते हैं. सो प्लीज इम्पार्ट नॉलेज. परपोर्ट, द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू इम्पार्ट नॉलेज टू द डिसाइपल एंड स्पेशली व्हेन द डिसाइपल इज वेरी इंक्विजिटिव. तो गुरु हमेशा तत्पर रहते हैं ज्ञान देने के लिए, रेडी टू गिव नॉलेज. जैसे हम कल परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का व्यास पूजा का तिथि मना रहे थे, तो उसमें एक भक्त बोल रहे थे तो महाराज ने किसी एक बच्चे के टी शर्ट में हाथी का तस्वीर देखा, तो वो देखते ही महाराज गजेंद्र की स्तुति करने लगे, गजेंद्र का जो प्रार्थना है भागवतम से बोलने लगे. तो भक्त रेडी रहते हैं कृष्ण के बारे में बताने के लिए. इसलिए आगे जाके अध्याय में स्कंद में आएगा जब विदुर और मैत्रेय मिलते हैं और विदुर जी मैत्रेय को प्रश्न पूछते हैं, मैत्रेय इतने खुश हो जाते हैं मुझे आपने अवसर दिया भगवान के बारे में बताने के लिए. हम इसके पहले स्कंद में हम देखते हैं कि जब शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं, सुत गोस्वामी बहुत आनंदित हो जाते हैं, बोलते हैं साधु साधु आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया है कृष्ण के बारे में बताने के लिए. तो भक्त हमेशा तैयार रहता है, जो प्रामाणिक गुरु हैं रेडी टू गिव नॉलेज. पर शिष्य का कर्तव्य है इनक्विजिटिव बनना. तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना. तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. पर शिष्य का कर्तव्य क्या है? प्रणिपात, गुरु का शरण लेना, प्रपन्नया एंड और जिज्ञासा करना, प्रश्न पूछना. इनक्विजिटिवनेस ऑन द पार्ट ऑफ अ डिसाइपल is greatly necessary for the progressive disciple. तो ये जिज्ञासा बहुत important है. So this kind of eagerness, inquisitiveness. तो ये जो श्लोक है गीता का, तत्विद्धि प्रणिपाते ना, तीन चीज आता है, शिष्य का कर्तव्य है.
इंक्वायरी, इंक्विजिटिवनेस, सरेंडर. तो जिज्ञासा करना, प्रश्न पूछना चाहिए, पर ये जिज्ञासा होना चाहिए, मुझे ये तत्वों के बारे में जानना है. महाराज परीक्षित इज अ टिपिकल डिसाइपल बिकॉज ही इज परफेक्टली इंक्विजिटिव. तो प्रभुपाद ने ये भी शब्द बहुत बार यूज किया है, टिपिकल डिसाइपल, टिपिकल डिवोटी. भक्त को ऐसा होना चाहिए महाराज परीक्षित की तरह. वाई? बिकॉज ही इज परफेक्टली इंक्विजिटिव. वो जानना चाहते हैं. ऑलरेडी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, माँ के गर्भ में ही उन्होंने भगवान को देखा है, और ये तत्वों के बारे में वो जानते हैं काफ़ी हद तक. फिर भी उनका जिज्ञासा है. जब गुरु के सामने जाते हैं, ऐसा जाना चाहिए कि मैं अभी नया भक्त हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, आप बताइए. वो अगर मूड रहेगा, गुरु जो भी बोलेंगे अमृत की तरह लगेगा. पर अगर हम ये भाव में जाएंगे, मुझे ऑलरेडी पता है, तो जब गुरु बात करेंगे हमको लगेगा ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो हम गंभीरता से वो मैसेज को स्वीकार नहीं करेंगे. इफ वन इज नॉट वेरी इंक्विजिटिव अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, वन नीड नॉट अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर सिंपली टू मेक अ शो ऑफ डिसाइपलशिप. तो अगर किसी के पास ये जिज्ञासा नहीं है आत्मा साक्षात्कार का, भगवान को प्राप्त करने का, ये जो भक्ति तत्व के बारे में जानने का, उसको गुरु के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है. तो नो नीड टू मेक अ शो ऑफ डिसाइपलशिप. घर में फोटो रख के गुरु का, ये मेरे गुरु हैं, सिर्फ दिखावा करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू शो. इसलिए थोड़े चीज़ हैं हम दिखाते नहीं हैं, जपमाला लोगों को दिखाते नहीं हैं, क्योंकि जो बहुत मूल्यवान चीज़ हैं यू प्रिजर्व इट नाइसली. इसलिए गुरु का प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रामाणिक शिष्य बनने की ज़रूरत है. सो नो नीड टू मेक अ शो ऑफ डिसाइपलशिप. मैं इसका गुरु, मैं इसका गुरु, वो बताने की ज़रूरत नहीं है. आप ऐसा कार्य करो लोगों को पता चले आप किसके शिष्य हैं. नॉट ओनली इज महाराज परीक्षित इंक्विजिटिव कंसर्निंग ऑल ही हैज इंक्वायर्ड अबाउट, बट ही इज ऑल्सो एंक्शियस टू नो अबाउट वॉट ही हैज नॉट बीन एबल टू इंक्वायर. तो परीक्षित महाराज, उनका जिज्ञासा है, उन्होंने जो प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी की, इतना ही नहीं बोलते, मैंने जो प्रश्न पूछा ना उतना ही उत्तर दो, एक्स्ट्रा कुछ मत बोलो. ऐसा नहीं पूछ रहे, बोल रहे हे गुरुदेव, मैंने जो पूछा है उसका भी उत्तर दीजिए, और मैंने जो नहीं पूछा है जो आपको उचित लगता है वो भी बता दीजिए. क्योंकि शिष्य कुछ जिज्ञासा कर सकता है, पर गुरु को पता है शिष्य को क्या चाहिए. श्रील प्रभुपाद का एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर आया था, या कोई टीवी चैनल का रिपोर्टर प्रभुपाद का इंटरव्यू ले रहा था, उनके मूवमेंट के बारे में, क्या आपका फिलॉसफी है ये वो. 10 मिनट का इंटरव्यू था, इंटरव्यू खत्म हो गया, पर प्रभुपाद चल रहा है, प्रभुपाद का लेक्चर. प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं, यू आर नॉट द बॉडी, योर स्पिरिट सोल, तुमको महामंत्र का जप करना चाहिए. ये बोलता है प्रभुपाद, इंटरव्यू खत्म हो गया. प्रभुपाद बोलते हैं, इंटरव्यू खत्म हो गया पर मेरा प्रीचिंग खत्म नहीं हुआ, अभी तुम बैठ के सुनो. तो कैमरा ऑन है नहीं है, प्रभुपाद का ये मूड है कि वो जो प्रश्न पूछ रहा है उसका भी उत्तर दूंगा, वो जो नहीं पूछ रहा है उसका भी उत्तर दूंगा. तो इसलिए परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, मैंने जो पूछा है उसका उत्तर दीजिए, और मैंने जो नहीं पूछा है पर आपको लगता है मुझे ये सुनने की आवश्यकता है वो भी उत्तर दीजिए. फैक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन टू इंक्वायर अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर, बट द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज एबल टू एनलाइटन द डिसाइपल इन एवरी वे फॉर द डिसाइपल्स बेनिफिट. तो साधारण जीव, जो बद्ध जीव है, गुरु को सब प्रश्न पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए भी दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, है कि नहीं? अगर बुद्धि ही नहीं है क्या प्रश्न पूछेंगे. पर जो गुरु हैं उनको पता है ये जो शिष्य है, ये जो जीव है, उसको क्या सुनना चाहिए, तो वो उपदेश देते हैं. इसलिए परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए, और जो भी आपके हृदय में प्रेरणा आ रहा है भगवान के बारे में वो सब बताइए. टेक्स्ट 25. अत्र प्रमाणं हि भावान् परमेस्ति यतात्मभू अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैकृतम्. वट अत्र इन दिस मैटर प्रमाणं एविडेंशियल फैक्ट्स ही सर्टनली भवान् योरसेल्फ
परमेस्ति ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स यथा एस आत्मभू बॉर्न डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड अपरे अदर्स च ओनली अनुतिष्ठन्ति जस्ट टू फॉलो पूर्वेशाम एज अ मैटर ऑफ कस्टम पूर्वजय नॉलेज सजेस्टेड बाय अ प्रीवियस फिलोसोफर कृतम हैविंग बीन डन. ट्रांसलेशन: ओ ग्रेट सेज यू आर एज गुड एज ब्रह्मा द ओरिजिनल लिविंग बीइंग अदर्स फॉलो कस्टम ओनली एज फॉलोड बाय द प्रीवियस फिलोसॉफिकल स्पेकुलेटर्स. तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं क्योंकि यू आर एज गुड एज ब्रह्मा, आप ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आपसे मैं जिज्ञासा करूंगा, निश्चित रूप से आप मेरे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं. परपोर्ट: इट मे बी आर्ग्यूड दैट सुखदेव गोस्वामी इज नॉट द ओनली अथॉरिटी ऑफ परफेक्ट नॉलेज इन ट्रांसेंडेंस बिकॉज देर आर मेनी अदर सेजेस एंड देयर फॉलोअर्स. तो कोई बोल सकता है अरे सुखदेव गोस्वामी एक ही व्यक्ति थोड़ी ना है, प्रामाणिक व्यक्ति, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, बहुत सारे तत्वज्ञानी हैं. कंटेम्प्ररी टू व्यासदेव और इवन प्रायर टू हिम देर वर मेनी अदर ग्रेट सेजेस सच एज गौतम, कनाद, जैमिनी, कपिल, अष्टवक्र एंड ऑल ऑफ देम हैव प्रेजेंटेड अ फिलोसॉफिकल पाथ बाय देमसेल्व्स. तो सुखदेव गोस्वामी सीखते हैं व्यासदेव से जो उनके पिता हैं, पर व्यासदेव के पहले या व्यासदेव के समय और बहुत सारे ऋषि थे जो बहुत ज्ञानी थे, गौतम, कनाद, जैमिनी, कपिल, अष्टवक्र, और इन सब लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसफी. पतंजलि इज ऑल्सो वन ऑफ देम, पतंजलि भी एक ऋषि है. एंड ऑल दीज सिक्स ऋषिज हैव देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग एग्जैक्टली लाइक मॉडर्न फिलोसोफर्स एंड मेंटल स्पेकुलेटर्स. तो इसको बोलते हैं षड दर्शन. तो ये छह तरह के फिलोसफी है शास्त्रों में. तो इन सब लोगों ने, गौतम, कनाद, जैमिनी, कपिल, अष्टवक्र, पतंजलि, उन सब लोगों ने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग सिद्धांत दिया है. द डिफरेंस बिटवीन द सिक्स फिलोसफिकल पाथ्स पुट फॉरवर्ड बाई द रिनोन्ड सेजेस अबव मेंशनड एंड दैट ऑफ सुखदेव गोस्वामी एज प्रेजेंटेड इन द श्रीमद् भागवतम इज दैट ऑल द सिक्स सेजेस मेंशनड अबव स्पीक द फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन थिंकिंग बट सुखदेव गोस्वामी प्रेजेंट्स द नॉलेज विच कम्स डाउन डायरेक्टली फ्रॉम ब्रह्मा जी हु इज नोन एज आत्मभू और बॉर्न एंड एजुकेटेड बाई द ऑल माइटी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. ये जो षड दर्शन है, जो ऋषि मुनि हैं, गौतम, कनाद, जैमिनी, पतंजलि इत्यादि, उनमें और सुखदेव गोस्वामी फ़र्क क्या है? ये सब जो छह ऋषि हैं, जो षड दर्शन हैं, अपने हिसाब से, अपने विचार से वो सिद्धांत बताते हैं, ये मुझे लगता है ये सत्य है. पर सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी से उन्होंने जो सुना है, अपने पिता व्यासदेव से और ब्रह्मा जी से जो परंपरा में आ रहा है, और इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है आत्मभू. आत्मभू का मतलब है बॉर्न फ्रॉम गॉड, डायरेक्टली भगवान से उनका जन्म होता है, एंड एजुकेटेड बाय गॉड डायरेक्टली, वो ज्ञान भी डायरेक्टली भगवान से प्राप्त करते हैं, इसलिए ये हमारा ब्रह्म संप्रदाय है. कृष्ण ये ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं और ब्रह्मा जी से ये ज्ञान सुखदेव गोस्वामी तक आता है. इसलिए परीक्षित महाराज उनका जिज्ञासा है, उनका इच्छा है सुखदेव गोस्वामी से सुनना, क्योंकि ये परंपरा में आ रहे हैं. अपना जो विचार है वो रखने वाले नहीं है, परंपरा का जो विचार है, भगवान का जो विचार है, वही रखने वाले हैं. तो इसके आगे का जो तात्पर्य है हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्णा.